गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मार्केटिंग रिसर्च. इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स विच आर यूज इन रिसर्च. ठीक है, हम डिफरेंट स्केल्स की बात करेंगे. स्केल्स आमतौर पर सर्वेस या क्वेश्चनर्स में यूज होते हैं और हमारे पास डिफरेंट तरह के स्केल्स होते हैं. सो वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है ना, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल स्केल. नॉमिनल स्केल क्या होता है? इज़ वन दैट अलाउज द रिसर्चर टू असाइन सब्जेक्ट्स टू सर्टेन कैटेगरीज या ग्रुप्स. नॉमिनल स्केल में क्या होता है? हमारे पास सिर्फ कैटेगरीज या ग्रुप्स होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछता हूँ वॉट डिपार्टमेंट यू बिलोंग टू, ठीक है, तो यू कैन से मे बी के यू बिलोंग टू द मार्केटिंग डिपार्टमेंट. ठीक है, लेट्स अज्यूम यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी, तो यू कैन से यू बिलोंग टू द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस, प्रोडक्शन और सेल्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो डिफरेंट कैटेगरीज में या डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड हुआ हुआ है. ठीक है, तो ये जो मार्केटिंग, मेंटेनेंस, फाइनेंस, प्रोडक्शन, सर्विसिंग वगैरह, इट्स ओनली टेलिंग अस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट एंड नथिंग एल्स. ठीक है, ये हमें ये नहीं बता रहा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट मेंटेनेंस से बेहतर है या मार्केटिंग मेंटेनेंस से ऊपर है या फाइनेंस या सर्विसिंग से बेहतर है. ठीक है, इट इज़ नॉट गिविंग अस दैट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि वॉट इज़ द जेंडर, ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो अ नॉमिनल स्केल. ठीक है, बिकॉज जेंडर सिर्फ दो तरह के होते हैं, या मेल होता है या फीमेल होता है. ठीक है, तो अगेन व्हेन आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन व्हाट इज योर जेंडर, तो उसकी सिर्फ दो कैटेगरीज बनी हुई, मेल और फीमेल. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल स्केल. नॉमिनल स्केल के बाद हमारे पास होता है ऑर्डिनल स्केल. ठीक है, ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है? वी डोंट ओनली हैव कैटेगरीज सच दैट दे डिनोट डिफरेंसेस अमंग द वेरियस कैटेगरीज. ठीक है, यानी कि ऑर्डिनल स्केल में हमारे पास कैटेगरीज तो होती हैं. ठीक है, बट बेसिकली ऑर्डिनल स्केल ऑल्सो हेल्प्स अस इन रैंक ऑर्डरिंग द कैटेगरीज इन सम मीनिंगफुल वे. ठीक है, तो ऑर्डिनल स्केल भी एक हद तक नॉर्मल स्केल जैसा है. ठीक है, जहाँ तक कैटेगरीज की बात है, ऑर्डिनल स्केल में भी हमारे पास कैटेगरीज होती हैं, लेकिन ऑर्डिनल स्केल इज़ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल स्केल इन द सेंस कि ऑर्डिनल स्केल हमें ये बताता है कि कैटेगरीज के बीच में डिफरेंस है. ठीक है, नॉर्मल स्केल हमें ये नहीं बताता कि कैटेगरीज के बीच में डिफरेंस कितना है. ऑर्डिनल स्केल हमें ये बता देता है कि कैटेगरीज के बीच में डिफरेंस कितना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन यू हैव कम्प्लीटेड, ठीक है, तो आपके पास उसकी डिफरेंट कैटेगरीज बन जाएंगी. ठीक है, मे बी यू फॉल इन द फर्स्ट कैटेगरी जो है लेस देन हाई स्कूल. ठीक है, फिर अगली कैटेगरी कॉलेज डिग्री है, फिर मास्टर्स डिग्री है, फिर डॉक्टर डिग्री है. ठीक है, तो ये सारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं एजुकेशन की, बट ये जो सारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं दे ऑल्सो टेल अस कि इनमें से कौन सी कैटेगरी जो दूसरी कैटेगरी से ऊपर है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मास्टर्स डिग्री की बात करता हूँ तो हमें पता है कि मास्टर्स डिग्री इज़ एट अ हायर लेवल देन हायर स्कूल एजुकेशन. इसी तरह जो डॉक्टर डिग्री होती है दैट इज़ एट अ हायर लेवल देन द मास्टर्स डिग्री. ठीक है, नॉर्मल स्केल जो आपको कैटेगरीज का डिफरेंस नहीं बताता, ऑर्डिनल स्केल में जो कैटेगरीज होती हैं उनका डिफरेंस भी आपको पता लगता है. यानी आपको पता लगता है कि इनमें से कौन सी कैटेगरी ऊपर है और कौन सी कैटेगरी कम है. ठीक है, इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहता हूँ कि अहमद इज़ अ गुड स्टूडेंट, ठीक है, फिर मैं कहता हूँ कि सरमद इज़ अ बेटर स्टूडेंट, और फिर मैं कहता हूँ कि हनीफ इज़ द बेस्ट स्टूडेंट. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डिनल स्केल. ठीक है, तो ऑर्डिनल स्केल में मेन चीज़ ये होती है, इट हेल्प्स यू डिसाइड के वॉट इज़ बेटर और बेस्ट. ठीक है, नॉर्मल स्केल में हमें ये फ़र्क नहीं पता लगता. ठीक है, यानी कि नॉर्मल स्केल में हमें ये पता नहीं लगता कि पहले नंबर पे कौन आएगा, सेकंड पोजीशन में कौन होगा, थर्ड पोजीशन में कौन होगा. ठीक है, ऑर्डिनल स्केल जो है इट हेल्प्स अस इन ऑर्डरिंग द डिफरेंसेस. यानी हमें पता लग जाता है फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे. तो ऑर्डिनल स्केल के बाद हमारे पास आता है इंटरवल स्केल. ठीक है, सो इंटरवल स्केल इज़ रिलेटिवली बेटर स्केल. ठीक है, इसमें होता है ये कि वेयर एज द नॉर्मल स्केल अलाउज अस ओनली टू क्वालिटेटिवली डिस्टिंग्विश ग्रुप्स बाय कैटेगराइजिंग देम इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टेड सेट्स. ठीक है, सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आया होगा, आपको पता होगा, प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ा होगा. ठीक है, सो नॉर्मल स्केल आपको ये बताता है कि हम ग्रुप्स के बीच में डिस्टिंग्विश किस तरह कर सकते हैं. ठीक है, एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि दो जो ग्रुप्स हैं उनमें कोई ओवरलैप नहीं है. ठीक है,
एंड फिर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी हो सकते हैं वो ग्रुप्स. ठीक है, तो अब आपको स्टार्ट से पता होगा व्हाट इज कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव. ठीक है, सो वेयर एज नॉर्मल स्केल हमें सिर्फ कैटेगरीज बताते हैं, ऑर्डिनल स्केल हेल्प्स अस इन रैंक ऑर्डरिंग द कैटेगरीज, यानी कि उन कैटेगरीज को एक ऑर्डर में रैंक करने की एबिलिटी देता है. इंटरवल स्केल जो है इट लेट्स अस मेजर द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द स्केल. इन अदर वर्ड्स आपके पास जो इंटरवल स्केल है इट मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंसेस इन द प्रेफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल. यानी कि जो डिफरेंट कैटेगरीज के बीच में डिफरेंस है उसके मैग्नीट्यूड को इंटरवल स्केल मेजर कर सकता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आई इन्वेस्ट मोर इन माई वर्क देन आई गेट आउट ऑफ इट. ठीक है, तो इसका आपने जवाब देना है डिसएग्री या अग्री में. ठीक है, यानी कि आप इस स्टेटमेंट से या तो डिसएग्री करेंगे या अग्री करेंगे. सो इफ़ यू डिसएग्री कम्प्लीटली यू विल सेलेक्ट वन, अगर आप स्लाइटली डिसएग्री करते हैं टू सेलेक्ट करेंगे, इफ़ यू आर न्यूट्रल तो थ्री सेलेक्ट करेंगे, इफ़ यू अग्री तो आप फोर सेलेक्ट करेंगे, इफ़ यू एग्री कम्प्लीटली तो फाइव सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पता लग रहा है कि वन टू थ्री और फोर और फाइव के बीच में फ़र्क है. ठीक है, वन बीइंग डिसएग्री कम्प्लीटली एंड फाइव बीइंग अग्री कम्प्लीटली. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट इंटरवल स्केल इज. ठीक है, इंटरवल स्केल जो है डिफरेंट ऑप्शंस के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके मैग्नीट्यूड यानी कि उसके अमाउंट को मेजर करता है. ठीक है, तो इसी तरह वन एंड टू के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको वो मेजर करेगा इंटरवल स्केल. इसी तरह टू और फोर के बीच के डिफरेंस को मेजर करेगा, फाइव और टू के बीच के डिफरेंस को मेजर करेगा. ठीक है, ठीक है, तो इंटरवल स्केल जो है इट बेसिकली इज़ अ बेटर स्केल बिकॉज वो सिर्फ ये नहीं बताता कि दो कैटेगरीज या प्रेफरेंसेस के बीच में डिफरेंस है, ये भी बताता है कि उस डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना. ठीक है, यानी कि टेल्स के भी टू जो है वन से कितना बड़ा है एज़ कम्पेयर टू कि फोर वन से कितना बड़ा है. ठीक है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें जो है ना ज़ीरो स्केल एज सच नहीं होता. ठीक है, यानी कि इस स्केल में ज़ीरो एज सच नहीं होता, यानी कि ज़ीरो पॉइंट नहीं होता. ज़ीरो हम चूज़ करते हैं आर्बिट्रेरली. ठीक है, विच बेसिकली मीन्स कि हम अपनी मर्जी से एक ज़ीरो पॉइंट चूज़ करते हैं. ठीक है, तो इसकी एक अच्छी एग्जांपल है जब हम इंटरवल स्केल की बात करते हैं, तो इसकी एक अच्छी एग्जांपल इज द डिफरेंट स्केल्स वी हैव. ठीक है, बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए वी हैव डिफरेंट स्केल्स. ठीक है, एक फ़ारेनहाइट स्केल होता है एंड वी हैव सेल्सियस स्केल. ठीक है, तो जो सेल्सियस स्केल है उसका जो ज़ीरो होता है वो एक्चुअली ज़ीरो डिग्रीज है. ठीक है, उसका यानी कि उसका जो ज़ीरो एक्चुअली ज़ीरो होता है, लेकिन जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसका जो ज़ीरो है वो ज़ीरो नहीं होता. ठीक है, उसका ज़ीरो इज़ एक्चुअली 32 डिग्रीज. ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं कि इंटरवल स्केल में ज़ीरो जो है वो फिक्स नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी से ज़ीरो चूज़ करते हैं. ठीक है, लेकिन रेशियो स्केल जो होता है यानी कि जो अगला स्केल है रेशियो स्केल में होता है कि ज़ीरो इज़ फिक्स्ड, इट इज़ नॉट आर्बिट्रेरली चोजन. ठीक है, यानी कि हम अपनी मर्ज़ी से ज़ीरो चूज़ नहीं करते, इट इज़ ऑलरेडी फिक्स्ड. ठीक है, तो हम कहते हैं कि रेशियो स्केल हैज़ एन एब्सोल्यूट ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो इज़ फिक्स्ड. ठीक है, सो रेशियो स्केल इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑफ द फोर स्केल्स बिकॉज इट हैज़ अ यूनिक ज़ीरो ओरिजिन एंड सबज्यूम्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द अदर थ्री स्केल्स. ठीक है, आप अपना वेट जब मेजर करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट्स आते हैं दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रेशियो स्केल. ठीक है, तो अगेन एक टेबल है टेल्स द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स. ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स के हवाले से देखें तो नॉर्मल स्केल में जो है ऑर्डर नहीं होता. ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज के बीच के डिस्टेंस का पता नहीं होता, देर इज़ नो यूनिक ओरिजिन, यानी कि कोई यूनिक ज़ीरो नहीं होता. तो मेजर जो सेंट्रल टेंडेंसी के हवाले से देखें तो मोड एज एग्जांपल ऑफ नॉर्मल स्केल. ठीक है, फिर ऑर्डर स्केल है उसमें कैटेगरीज के बीच में डिफरेंस होता है, ऑर्डर भी होता है. ठीक है, बट स्टिल वो जो डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड हम नहीं बता सकते. तो अ गुड एग्जांपल इज़ द मीडियन. ठीक है, जो यूज़ होता है एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है, फिर इंटरवल स्केल है उसमें जो है कैटेगरीज के बीच में डिफरेंस भी है, ऑर्डर भी हमें पता लग जाता है, ऑर्डर का मैग्नीट्यूड भी पता लग जाता है, एंड स्टिल देर इज़ नो यूनिक ओरिजिन, यानी कि कोई एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होता. ठीक है, सो एरिथमेटिक मीन इज़ एन एग्जांपल. ठीक है,
फिर नेक्स्ट है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल में हमें डिफरेंस भी पता लग जाता है डिफरेंट कैटेगरीज के बीच में, ऑर्डर भी होता है, हमें डिफरेंस का मैग्नेट भी पता लग जाता है, एंड वी नो दैट दैट देयर इज अ यूनिक ओरिजिन। तो फिर स्केल्स में हमारे से होता है डाइकॉटमस स्केल। ठीक है, सो डाइकॉटमस स्केल जो है बेसिकली जब आप डाइकॉटमस स्केल यूज़ करते हैं तो आपका जो सवाल होता है उसके सिर्फ दो ऑप्शन होती है, यू कैन आंसर द क्वेश्चन इन येस और नो। ठीक है, सर दो ऑप्शन होती हैं येस और नो। एक कैटेगरी स्केल है, इट यूजेज मल्टीपल आइटम्स टू एलिसिट अ सिंगल रिस्पॉन्स। ठीक है, फिर सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है, यूज टू असेस रिस्पॉन्डेंट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर ब्रांड एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्ट और इंडिविजुअल। न्यूमेरिकल स्केल है सिमिलर टू सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल बट विद द नंबर्स ऑन अ 5 और 7 पॉइंट स्केल। ठीक है, तो आपने अक्सर मैंने आपको ऊपर एक एग्जाम्पल दिखाई थी, कम्प्लीटली डिसएग्री है कम्प्लीटली एग्री। ठीक है, तो इट वॉज फ्रॉम अ स्केल ऑफ 1 to 5। ठीक है, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर न्यूमेरिकल स्केल। ठीक है, तो आइटमाइज रेटिंग स्केल भी वही चीज़ है, आपके पास 5 और 7 पॉइंट स्केल होता है विद एंकर्स नीडेड एज प्रोवाइडेड फॉर ईच आइटम एंड द रिस्पॉन्डेंट स्टेट्स अप्रोप्रिएट नंबर ऑन साइड ऑफ ईच आइटम। ठीक है, फिर लिकर्ट स्केल है, वो भी इसी तरह का होता है, उसमें 1 to 5 आपके पास नंबर्स होते हैं विच रेंजेस फ्रॉम कम्प्लीटली डिसएग्री टू कम्प्लीटली एग्री। फिर रिलायबिलिटी मेजर इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू। ठीक है, तो रिलायबिलिटी पर हम थोड़ा पढ़ चुके हैं। ठीक है, आई विल नॉट रिपीट दैट। ठीक है, स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम जो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ को मेजर करने के लिए अगर एक सर्वे या क्वेश्चनर प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली जो क्वेश्चनर होता है उसको हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चनर इज द इंस्ट्रूमेंट वी आर यूजिंग टू मेजर समथिंग। तो स्टेबिलिटी ऑफ अ मेजर हम इसको कहते हैं कि व्हाट इज स्टेबिलिटी ऑफ अ मेजर। स्टेबिलिटी ऑफ अ मेजर इज बेसिकली एबिलिटी ऑफ अ मेजर टू रिमेन द सेम ओवर टाइम डिस्पाइट अनकंट्रोलेबल टेस्टिंग कंडीशंस और द स्टेट ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स। ठीक है, तो यानी कि अगर आप एक क्वेश्चनर यूज़ करें टू मेजर समथिंग तो आपका जो क्वेश्चनर है वो एक जैसा रहना चाहिए, टाइम के साथ बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर इंटरनल कंसिस्टेंसी है। ठीक है, आप कोई क्वेश्चनर बनाते हैं तो उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है। इंटरनल कंसिस्टेंसी इज इंडिकेटिव ऑफ द होमोजेनिटी ऑफ आइटम्स इन द मेजर दैट टाइप द कंस्ट्रक्ट। ठीक है, फिर इसमें इंटर आइटम कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी है, दिस इज अ टेस्ट ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स आंसर्स टू ऑल द आइटम्स इन अ मेजर। ठीक है, तो इसको मेजर हम करते हैं क्रोनबैक्स कोएफिशिएंट अल्फा से। ठीक है, स्प्लिट ऑफ रिलायबिलिटी को अभी रहने दें। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द स्केल्स। ठीक है, सो मे बी द नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्केल्स की थोड़ी सी और एग्जांपल्स दिखाऊंगा। ठीक है, सो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। द ऑफिस।